स्टूडेंट के जे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आइए आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ के केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के पार्ट दो सॉल्यूशन यानी विलयन के भाग दो में आज हम लोग देखेंगे विभिन्न प्रकार के विलयन। तो भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन को तीन वर्गों में बांटा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री ग्रुप्स। एक को कहते हैं सॉलिड सॉल्यूशन, दूसरे को कहते हैं लिक्विड सॉल्यूशन और तीसरे को कहते हैं गैसियस सॉल्यूशन। अब भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन तीन प्रकार के होते हैं, ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैसीय विलयन। ठोस विलयन उन विलयनों का जिनका विलायक ठोस होता है उनको ठोस विलयन कहते हैं, या व्हेन इन ए सॉलिड द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन द लैटिस ऑफ सॉल्वेंट इट इज कॉल्ड सॉलिड सॉल्यूशन। जब किसी ठोस में विलय के कण उसके विलायक के जालक में उपस्थित हों तो उसको ठोस विलयन कहा जाता है। जैसे एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग पीतल, और एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन इसको हम लोग कहते हैं ब्रास यानी कांसा। लिक्विड सॉल्यूशन, ए लिक्विड सॉल्यूशन इज ए लिक्विड इन विच ए सब्सटेंस हैज बीन कंप्लीटली डिजॉल्व्ड। द सब्सटेंस कैन बी आइदर सॉलिड, गैस और अनदर लिक्विड, इट इज कॉल्ड लिक्विड सॉल्यूशन। यानी द्रव विलयन वह विलयन है जिसमें घुलने वाला यानी जो विलय है वह पूर्णतः उस द्रव में घुल जाता है। जैसे चीनी को जल में घुला दें, जैसे नमक को जल में घुला दें, तो वह जो है या तो ठोस हो सकता है जैसे चीनी और नमक, या तो गैस हो सकता है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, या दूसरा कोई लिक्विड हो सकता है। एग्जाम्पल है इसका, इसका उदाहरण जो है वह है सोडियम क्लोराइड प्लस H2O, H2O प्लस O2 एंड H2O प्लस C2H5OH। यानी द्रव विलयन वह विलयन है जिनमें विलायक द्रव होता है और उन्हें जैसे उदाहरण के लिए नमक और जल और नमक का घोल, जल और ऑक्सीजन, जल में ऑक्सीजन गैस घुली होती है जिसका उपयोग जो जलीय जीव हैं सांस लेने में करते हैं, और जल और इथाइल एल्कोहल का मिश्रण, ये जो है लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। अब हम लोग देखेंगे गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन, इफ द सॉल्वेंट इज ए गैस, जब विलायक गैस हो, एंड ओनली गैसेज आर डिजॉल्व इन दिस कंडीशन, और इस स्थिति में सिर्फ गैसें ही उनमें घुले, तो इस प्रकार के विलयन को गैसीय विलयन कहा जाता है। जैसे हवा विभिन्न गैसों का मिश्रण है, इफ द सॉल्वेंट इज ए गैस एंड ओनली गैसेस आर डिजॉल्व इन द इन दिस कंडीशन इट्स टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आर कॉल्ड गैसेस सॉल्यूशन। एग्जांपल एयर, एयर में क्या है, हवा में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अन्य गैसें जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, धूल कण और जलवाष्प सभी के सभी उपस्थित हैं। अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट और एब्सेंट ऑफ वाटर सॉल्यूशन आर टू टाइप्स। जल की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर विलयन को दो वर्गों में बांटा गया है। एक को कहते हैं जलीय विलयन, दूसरे को कहते हैं अजलीय विलयन। वैसा विलयन जिसमें जल उपस्थित हो उसको जलीय विलयन कहते हैं, वैसा विलयन जिसमें जल को छोड़कर अन्य पदार्थ उपस्थित हो उसको अजलीय विलयन कहा जाता है। तो देखते हैं एक्वस सॉल्यूशन और दूसरा है नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट और एब्सेंट ऑफ वाटर सॉल्यूशंस आर टू टाइप।
aqueous solution and non-aqueous solution. An aqueous solution is a solution in which the solvent is water. विलायक क्या है? वह जल है. Its type of solution is called aqueous solution. Example है जल और नमक का विलयन. और दूसरा हो सकता है जल और चीनी का विलयन. ये जलीय विलयन के उदाहरण हो सकते हैं. नॉन एक्वस सॉल्यूशन एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन इज ए solution in which the solvent other than water other than water it is called non-aqueous solution. Example इसका देखते हैं. ये है एग्जाम्पल इसका होगा एथेनॉल यानी C2H5OH प्लस एसीटोन यानी सॉल्यूशन ऑफ एथेनॉल एंड एसीटोन सॉल्यूशन of ethanol plus acetone. चूंकि इन दोनों में जल उपस्थित नहीं है इस प्रकार के वैसा विलयन जिसमें जल को छोड़कर अन्य विलायक के रूप में उपस्थित है अन्य पदार्थ विलायक के रूप में उपस्थित हों तो उनको क्या कहा जाएगा जलीय विलयन. जैसे एथेनॉल और एसीटोन का जो विलयन होगा वह नॉन एक्वस सॉल्यूशन का उदाहरण है. ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ डिजॉल्विंग सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन सॉल्यूशंस आर थ्री टाइप्स. कह रहा है कि विलयन में घुले विलय की घुलनशीलता के मात्रा के आधार पर विलयन को तीन वर्गों में बांटा गया है. ये तीन प्रकार के होते हैं विलयन, जिसको एक को कहते हैं संतृप्त विलयन, दूसरे को कहते हैं असंतृप्त विलयन और तीसरे को कहते हैं अति संतृप्त विलयन. थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन डिजायर्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको कहते हैं, संतृप्त विलयन किसको कहते हैं. वैसे विलयन जिनमें विलय पदार्थ की और अधिक मात्रा को नहीं घुलाया जा सके. संतृप्त विलयन की परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं, वैसा विलयन जिनमें विलय की और अधिक मात्रा को नहीं खोला जा सके उन्हें संतृप्त विलयन कहा जाता है. सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन. दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन. यानी संतृप्त विलयन वैसा विलयन है जिस विलयन में और पदार्थ के मतलब जो विलय की मात्रा है और उसको नहीं घोला जा सकता है. अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी असंतृप्त विलयन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन
इज ए सॉल्यूशन दैट कंटेन्स लेस देन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट इज कैपेबल ऑफ बीइंग डिसॉल्व्ड. दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. वैसा विलयन जिनमें विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा को घोला जा सके, वैसा विलयन जिसमें विलेय के और मात्रा को घोला जा सके, ऐसे विलयन को असंतृप्त विलयन कहते हैं. अब तीसरा है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी अति संतृप्त विलयन. इफ ए सॉल्यूशन कंटेन्स मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, वैसा विलयन जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में विलय उपस्थित हो, देन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट द सॉल्वेंट कैन होल्ड एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, और एक निश्चित तापमान पर जो है विलायक में उपस्थित हो, देन इट इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. मतलब इस प्रकार के विलयन को अति संतृप्त विलयन कहते हैं. ऐसा विलयन जिनमें विलय पदार्थ घुलना बंद कर दे, फिर भी विलय को उसमें घोला जाए, कब? जब एक निश्चित तापमान जो है उस विलयन को प्राप्त हो, तो उस प्रकार का विलयन जब तैयार होता है तो उसको अति संतृप्त विलयन कहते हैं. आप देखिएगा आपके यहाँ मिठाई वगैरह बनती है तो पाक तैयार किया जाता है मिठाइयों के लिए, तो उसको देखिएगा सुपर सैचुरेटेड बनाया जाता है. आप अपने घर में एक प्रयोग कर सकते हैं. आप एक ग्लास में थोड़ा सा पानी ले और उसमें नमक या चीनी को घोलना शुरू करें. एक ऐसी स्थिति आएगी कि अब उसमें और नमक नहीं घुलेगा. अब नहीं घुलेगा. अब हम क्या करते हैं कि उसको जो है आँच पर चढ़ा देते हैं, हीट देना शुरू करते हैं और उसमें और मात्रा घुलाने का प्रयास करते हैं. हम देखते हैं कि और मात्रा घुलती जाती है और एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि जिसमें अब और उसमें चीनी या नमक की मात्रा को नहीं घोला जा सकता है. तो इस प्रकार का जो विलयन तैयार होता है उसको अति संतृप्त विलयन कहा जाता है. ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ डिजॉल्विंग सब्सटेंसेस इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन आर टू टाइप्स, या सॉल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड इन टू ग्रुप्स. एक को कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन और दूसरे को कहते हैं डायलूट सॉल्यूशन, यानी सांद्र विलयन और तनु विलयन. मतलब पदार्थ की मात्रा, विलयन में घुले हुए पदार्थ की मात्रा के आधार पर विलयन को दो वर्गों में बांटा गया है. विलयन में पदार्थ की घुली हुई मात्रा के आधार पर विलयन दो प्रकार का होता है. एक को कहते हैं सांद्र विलयन, दूसरे को कहते हैं तनु विलयन. अब देखिए, सपोज दैट एक ग्लास पानी लेते हैं, मिनिमम 100 ml उसमें अब जल होगा. अब उसमें हम 5 दाना चीनी का डाल देते हैं और फिर एक दूसरे ग्लास जो 100 ml का ही हो उसमें हम जल भर करके और उसमें जो है 5 चम्मच जो है चीनी को डाल देते हैं. अब क्या होगा? अब दोनों को घोल देंगे. घोलने के उपरांत जो है एक जो जिसमें चीनी की मात्रा कम है तो वो जो सॉल्यूशन, वो भी सॉल्यूशन है, तो उस सॉल्यूशन को डाइल्यूट सॉल्यूशन कहा जाएगा. जबकि जो दूसरा है जिसमें हमने 5 चम्मच चीनी को घुलाया है वह हमारा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा. तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन यानी सांद्र विलयन किसको कहते हैं? दिस इज ए सॉल्यूशन दैट कॉन्टेन्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट रिलेटिव टू द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, यानी विलायक की मात्रा के सापेक्ष, दैट कुड डिजॉल्व इन ए सॉल्यूशन इट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन. वैसा विलयन जिसमें विलय अधिक मात्रा में घुला हुआ हो उनको सांद्र विलयन कहते हैं. वैसा विलयन जिसमें विलय अधिक मात्रा में घुला हुआ हो और
वो भी विलायक की अपेक्षा, तो उस प्रकार का विलयन जब तैयार होगा तो उसको सांद्र विलयन कहेंगे, जबकि वैसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा जो है विलयन में बहुत कम होती है विलायक की अपेक्षा, तो इस प्रकार के विलयन को जो है तनु विलयन कहते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन। ए डाइल्यूट सॉल्यूशन इज ए सॉल्यूशन दैट हैज ओनली ए मिनिमम अमाउंट, यानी बहुत कम मात्रा ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन ए सर्टेन अमाउंट ऑफ ए सॉल्वेंट, इट इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट, आज हम लोगों ने विलयन के विभिन्न प्रकारों के बारे में अध्ययन किया। अब हम इसके अगले वीडियो में विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करने वाली विभिन्न विधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय बाय।